एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे लेके चलूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अभी सुबह का 10 बज रहा है और आज है दिन रविवार यानी संडे। तो आज मैं भी काफी लेट उठी हूँ। क्या है ना, रोज का वही रूटीन, 5:30 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ जाना, फिर मॉर्निंग में उठ के अपने सारे वही रूटीन फॉलो करना, रेगुलर के वही रूटीन होते हैं, कुछ नया नहीं। तो फिलहाल जब आज संडे है, आज सबकी छुट्टी रहती है, तो आज मैंने भी एक छुट्टी मार दी। सिंपल सी बात है, हाउसवाइफ को भी एक दिन तो छुट्टी चाहिए होती है, एक दिन तो उनका भी जो है रिलैक्स होने का मन करता है कि सुकून से देर तक सोए आराम से, और राधे 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 राधे, देर तक देर से सो के उठे और सारे काम आराम से लेजी तरीके से करें। तो फिलहाल आज मॉर्निंग में वैसे मेरी 6 बजे आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं जो है ना मोबाइल में अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन मेरा आज उठने का मन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है, हम लोग भी जो है कुछ अपना जो है अपने तरीके से आज मैं भी सो लेती हूँ। तो आज मैं उठी 8:30 बजे सो के। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग टी वगैरह होके जो है ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ। और आज देखिए हमारा घर भी कितना ज़्यादा फैला हुआ है, आज इसे समेटने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए गैस की क्या हालत रखी है सुमित ने। सुमित तो देर से सोते हैं, वैसे भी उनका रूटीन ही कुछ वैसा है, तो जो भी बनाया खाया वो देखिए सब ऐसे फैला हुआ है वहां पे। रात में बर्तन साफ कर दिए थे, फिर भी कितने बर्तन लगा रखे हैं। तो पूरा घर आज जो है बहुत ही मैसी मैसी हो रखा है। और इधर हॉल में भी जो है कपड़े वगैरह, मैंने रात में सुमित को बोला था, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई थी, तो सुमित को बोला था, तो सुमित ने कपड़े वगैरह उठा के यहाँ सोफे पे ऐसे ही डाल दिए, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, और इधर भी कुछ सामान कुर्सी पे भी रखा हुआ है। तो फिलहाल आज ये सारे सामान समेटने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा। इन कामों को अगर टाइम से हो जाए तो उसके लिए तो फिर मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, आज संडे है, संडे मतलब फंडे, तो आज आराम से धीरे धीरे सुकून से करूंगी अपने सारे काम। तो फिलहाल अभी जो चौहान साहब है वो तो सोए हुए हैं और मैं जो है ब्रश वगैरह करके आ चुकी हूँ। तो फिलहाल जो है अब मैं काम रेडी करती हूँ, अपने जो ये मॉर्निंग के काम होते हैं इनको फटाफट समेटती हूँ। और आज तो सबसे बड़ा मुझे काम करना है कि कितने दिनों से मैं सोच रही थी ये अपनी अलमारी अच्छे से सेट करने के लिए। ये अलमारी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, मतलब थोड़ा सा टाइट बंद होती है, इतना सामान ऐसे भरा हुआ है, इतनी हौच पौच हो रखी है। ये देखिए किस किस तरीके से छोटे बड़े सारे कपड़े ऐसे ही, ये देखो कैसे यहाँ पे सामान भरा हुआ है, यहाँ पे नीचे कैसे सारा रखा हुआ है ये सारा। तो फिलहाल आज ये मुझे जो है अपनी अलमारी सेट करनी है। तो फिलहाल मैंने सोचा चलो अब जब लेट हो ही गई है तो फिर काम थोड़ा आराम से करेंगे, लेकिन काम अच्छे से करेंगे और सारी क्लीनिंग अच्छे से कर देंगे। तो फिलहाल अभी मैं सेट करूंगी अपनी अलमारी, सारे कपड़े पहले बाहर निकालूंगी, साफ करके फिर से सारे कवर साफ करके फिर से सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड कर करके सेट करूंगी। और इधर जो है कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पे भी फैले हुए हैं चेयर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपना रूटीन सेट किया है रोज 4 कपड़े प्रेस करने वाला। तो कल रात में भी मैंने 6 कपड़े प्रेस किए थे, तो ये कपड़े भी ऐसे रखे, इनको भी अलमारी में ही सेट करना है। तो पहले अलमारी साफ कर दूँ अच्छे से और सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, उसके बाद फिर ये कपड़े भी उधर के ला के इधर ही रखूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अलमारी की फुल क्लीनिंग फुल एनर्जी के साथ, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अलमारी साफ करनी मैंने शुरू कर दी है। वैसे कुछ प्लान नहीं था आज अलमारी साफ करने का, लेकिन मॉर्निंग में आज उठने में तो वैसे ही लेट हो गए थे, तो सोचा कि चलो अब लेट हो ही गया है तो थोड़ा सा लेट और कर देते हैं, और आज ये अपनी अलमारी की भी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। तो आज सुबह उठने के बाद मैं फिर सीधे अपने कपड़ों के ही रखरखाव में लग गई। तो जब हम घर में नए नए सेट हुए थे ना, तभी मैंने ये अलमारी अच्छे से सेट की थी, उसके बाद से तो बस कपड़े इसमें रखना निकालना यही चल रहा था,
और सच्ची बताऊँ अलमारी मेरी इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी कि मतलब मैं खोलती थी ना तो सारे कपड़े ऐसे भरे भरे मेरे, मतलब इधर सुमित के उधर, तो बिल्कुल मेरा तो अलमारी खोलने का ही मन नहीं करता था। तो मैंने सोचा आज तो ये अपनी अलमारी जो है बिल्कुल सेट करके ही रहूँगी, आज नहीं तो कल तो करना ही है, तो क्यों ना आज ही कर दें। आज मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने जो अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज वगैरह होती है वो भी नहीं की क्योंकि लेट हो गया था, फिर उसको भी जो है मैं अपनी एक्सरसाइज भी करीब 45 मिनट तो करती ही करती हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो जाने दो कोई नहीं एक दिन ऐसे ही। तो फिलहाल यहाँ पे आज अपनी अलमारी की क्लीनिंग में लग गई, तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने पहले अलमारी से निकाल के बाहर रख लिए और कॉलिन से उसको अच्छे से स्प्रे करके पहले अच्छे से पोंछ के उसमें जो है मैंने जो मेरे पुराने दुपट्टे वगैरह रखे रहते हैं ना तो उन्हें मैं संभाल के रखती हूँ, तो उन्हीं का कवर मैंने अलमारियों में अच्छे से बिछा दिया। और फिर सारे जो मेरे कपड़े हैं ना वो सारे मैं फोल्ड कर करके हैंगर में लगा के सारे अपने ऊपर टांग दे रही हूँ अलमारी में सामने। और सुमित के कपड़े जो लेफ़्ट साइड में सारे बॉक्स बने हुए हैं इसमें मैंने जो है सारे सुमित के कपड़े लगा रखे हैं, तो सारे कपड़े बाहर निकाल के फिर से अलमारी को अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके फिर सारे कपड़े उनके अलमारी में वैसे ही लगा दिए। मेरी अलमारी देखिए दो हिस्सों में डिवाइड है, तो एक साइड सारे मेरे कपड़े रहते हैं, एक साइड सारे इसमें सुमित के कपड़े रहते हैं, और इसी में ही मेरे जो हैंड बैग रहते हैं छोटे वाले बैग क्लच रहते हैं, तो एक बॉक्स में सारे मैं अपने बैग वगैरह रखती हूँ और इसमें एक सबसे लास्ट वाले बैग में जितनी मेरे पास बेडशीट वगैरह है जो मैं यूज़ करती हूँ बेडशीट और ओढ़ने के लिए चादरें, तो वो सारे मैं एक बॉक्स में रखती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मैं यहीं अलमारी में ही रखती हूँ क्योंकि साइड में ही हमारा बेड पड़ा हुआ है, तो फट से यहाँ से निकाला बिछा दिया फोल्ड करके फिर यहीं पर रख दिया, तो एक बॉक्स जो है बेडशीट के लिए यूज़ करती हूँ। और जो दो इसमें ड्रॉअर दी हुई हैं तो एक ड्रॉअर में तो हमारे जो है ज़रूरी जो कार्ड्स वगैरह और पेपर्स वगैरह है जो काम के हैं वो रखती हूँ, सुमित के थोड़े बहुत कागज़ जो भी काम की चीज़ें हैं वो रखती हूँ, और एक ड्रॉअर में जो है थोड़ा बहुत जो है जैसे रेडी होने के लिए ड्रेसिंग टेबल, अपनी अलमारी को ही मैंने ड्रेसिंग टेबल भी बना रखा है, तो थोड़ा बहुत जो अपना मेकअप का सामान होता है लिपस्टिक काजल क्लिप हेयर बैंड ईयरिंग्स वगैरह वो थोड़े बहुत जो है साइड में रखती हूँ कि मतलब अलग से ना मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़े। तो फिलहाल इसी तरीके से मैंने जो है पूरी अलमारी अपनी सेट कर ली, तो देखिए यहाँ पे अलमारी मेरी कितने अच्छे से सेट हो गई है, कितनी भरी हुई थी और कैसे बढ़िया मैंने पूरी बढ़िया से सेट कर दी। तो यहाँ एक साइड में सारे सुमित के कपड़े लगे हुए हैं, शर्ट जीन्स टी शर्ट वगैरह, और हैंगर में देखिए सामने सारे मैंने अपने कपड़े टांगे, ये शर्ट ये जीन्स ये सारे उसमें जो है सॉक्स रखे हुए हैं, एक में सारे कुर्ता सेट जैकेट, अभी एक बॉक्स खाली है क्योंकि कपड़े अभी प्रेस करने को बचे हुए हैं, और एक में बेडशीट, एक में सारे हैंडबैग, एक में ज़रूरी चीज़ें जो हमें रोज़ ज़रूरत लगती है, और एक में सारे हमारे ज़रूरी इंपॉर्टेंस कार्ड और कागज़, और एक में छोटा बहुत मेकअप का सामान। तो ये साफ़ हो गई हमारी अलमारी अच्छे से, तो ये यहाँ की अलमारी की क्लीनिंग तो मैंने बढ़िया से कर दी। और उसके बाद फिर आ गई अपने दूसरे रूम में, तो यहाँ पे देखिए इस बैग में आज मैं सारे वो कपड़े रख रही हूँ जो मेरे और सुमित के कपड़े हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब छोटे हो गए हैं कुछ टाइट हो गए हैं, तो वो सारे कपड़े आज मैं जो है इस बैग में भर के पैक करके रख दूँगी ताकि अलमारी जो है ना इन कपड़ों से भी पूरी भरी भरी सी हो गई थी, ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हमारे पास है ऊपर से जो कपड़े हम यूज़ नहीं करते, तो आज वो कपड़े ये कपड़े जो है मैं हटा दूँगी और बैग में पैक करके बेड में रख दूँगी। तो ये सारे कपड़े जो है मेरे प्रेस करने वाले रखे हुए हैं तो इनको मैं प्रेस कर करके अलमारी में लगाती जाऊंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हॉल में, यहाँ पे सुमित का जो है सो वो लैपटॉप वगैरह चार्जर वगैरह ऐसे ही पड़ा था, तो अपना सोफ़ा ठीक किया और ये लैपटॉप वगैरह और ये चार्जर वगैरह सारे जो वायर्स वगैरह हैं इनको समेट के रखा, फिर सामने सोफे में धुले हुए रात के कपड़े रखे हैं इनको उठा कर ले जाऊंगी और फोल्ड करके सारे इनको भी अलमारी में लगा दूंगी। तो यहाँ पे आ गई लगे हाथ, आज मैं अपनी फोल्डिंग अलमारी भी ठीक कर ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ मैंने ऐसे ही रख रखाव रखा है, ऊपर वाले पोर्शन में सारे सुमित के कपड़े रहते हैं, बीच वाले पोर्शन में सारे मेरे कपड़े रहते हैं, और साइड के दो बॉक्स दिख रहे हैं तो एक बॉक्स में सुमित के सारे बॉक्सर और जो अंडर गारमेंट्स वगैरह रहते हैं वो रहते हैं, और नीचे वाले जस्ट नीचे वाले बॉक्स में मैं वो कपड़े रखती हूँ जो गंदे कपड़े रहते हैं मुझे धुलने होते हैं, तो वो सारे मैं इसमें रखती जाती हूँ, और सबसे नीचे वाले में थोड़ा सा मेरा साइड में जो लेफ्ट साइड का बॉक्स है उसमें कॉस्मेटिक रहता है, और इसके नीचे में सर जो मैं मार्केट में बैग वगैरह ले जाती हूँ वो सारे। सो गाइस, तो बस यही था मेरा आज का कपड़ों का रख रखाव कि किस तरीके से मैं अपने और अपने चौहान साहब के कपड़े जो है मैनेज करती हूँ, कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, अच्छे से रखती हूँ कि कपड़े समय से हमें मिल जाएं जब हमें ज़रूरत हो। तो फिलहाल आज मॉर्निंग में उठने में तो लेट मैंने वैसे ही कर दी थी, तो सोचा क्यों ना आज जो है
है अपनी अलमारी सेट कर ली जाए, काफी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो फिलहाल चलो सोचा कि लगे हाथ आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं मेरे कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ। फिलहाल आपने तो देखा ही कि नए कपड़े नई अलमारी में, पुराने रेगुलर यूज वाले कपड़े पुरानी अलमारी में, और जो कपड़े नहीं पहनने वाले हैं, जिनको हम हटाने वाले हैं, उनको किस तरीके से रखती हूँ, प्रेस वाले कपड़े का क्या किस तरीके से प्रेस करने का रूटीन बना रखा है, और कपड़े धुलने का क्या सब कैसा मेरा रहता है, वो सारा मैंने आपको दिखाया। इससे क्या रहता है ना, अगर कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन घर में ठीक रहता है ना, तो ये फायदे होते हैं। सबसे पहले तो घर में जो है ना, कपड़े बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लगते, अच्छा साइन नहीं देते हैं कि जहाँ देखो वहीं पे कपड़े बिखरे पहले हुए हैं। दूसरी बात, कपड़े अगर ठीक से घर में सेट होते हैं अपनी जगह पे, जहाँ उनकी जगह है, अगर कपड़े सारे अपने प्रॉपर अच्छे से आपने लगा रखे हैं, तो जरूरत पड़ने पे कपड़े हमें ढूंढने नहीं पड़ते हैं। हमें जहाँ के तहाँ रखे होते हैं, और जब जरूरत पड़ी तो हमें कपड़े तुरंत मिल जाते हैं, तो हमारा समय भी बचता है। और तीसरी बात कि जब हमारे पति देव को कपड़ों की जरूरत होती है, यानी जब वो नहा कर आते हैं या कहीं उन्हें जाना होता है, तो कपड़े निकाल निकाल के उनको हाथ में नहीं देने पड़ते, हम उस ड्यूटी से बच जाते हैं। क्योंकि कपड़ों की सेटिंग आप अगर घर में अच्छे से रखते हो, तो उन्हें भी पता हो जाता है कि कपड़ों का रखरखाव कैसा है, तो उन्हें जब भी जरूरत होती है तो वो अपनी जरूरत का सामान और अपने जैसे कपड़े जो भी है सब अपने हाथों से ले लेते हैं। तो आके जो है पति देव के कपड़े, और उनको जब जरूरत हुई तब एक आवाज पे दौड़ के आना, कपड़े निकालना, ये सब पीछे नहीं लगना पड़ता। तो फिलहाल इससे भी क्या रहता है, हमारे समय की ही बचत होती है। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बाकी के देखिए घर के जो है होम क्लीनिंग के काम पेंडिंग है, तो फटाफट मैं वो भी निपटा लेती हूँ। फिलहाल जो सबसे बड़ा काम था मेरा, मैंने वो काम तो करके जो है निपटा दिया है। तो बस ये सारे जो काम है रेगुलर के हैं, होम क्लीनिंग के, तो चुटकियों में हो जाते हैं, इनकी तो मेरी हैबिट है। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ खुश रहिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।